الله أكبر الله أكبر. कुर्लुश उस्मान तुर्की की मशहूर प्रोडक्शन कंपनी बुज़दैग फिल्म्स की वो ड्रामा सीरियल थी जिसने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सीरियल के राइटर, स्क्रीन प्ले और प्रोड्यूसर तुर्की के मायानाज हिस्टोरियन मोहम्मद बुज़दैग थे और अब मोहम्मद बुज़दैग इस कामयाब तरीन सीरियल का सीजन 2 बनाने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के मदाहीन बड़ी बेताबी के साथ कुर्लुश उस्मान सीजन 2 का इंतज़ार कर रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि हम अपने नाज़रीन को इस सिलसिले में होने वाली नई अपडेट के बारे में तस्दीकशुदा मालूमात देते रहें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुर्लुश उस्मान सीजन 2 कब ऑन एयर हो रहा है और इस सीज़न में कौन कौन से नए अदाकार शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। जी नाजरीन, पहले हम बात करते हैं कि कुर्लुश उस्मान सीजन 2 को दुनिया भर के मदाहीन कब देख सकेंगे। तो बुज़दैग फिल्म के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सीजन 2 का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया गया है जिसमें उस्मान को ब्लैक इमेज यानी कारा उस्मान के रूप में दिखाया गया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मदाहीन को सीजन 2 का पहला ट्रेलर सितंबर के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकता है और एपिसोड 28 अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑन एयर हो जाएगी। जहां तक बात है कि कौन से नए अदाकार कुर्लुश उस्मान सीजन 2 को ज्वाइन कर रहे हैं तो बुज़दैग इस सिलसिले में बहुत काम कर रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है कि जो कमी सीज़न 1 में कास्टिंग के हवाले से रही वो इसको सीज़न 2 में पूरा कर सके। इस सिलसिले में दो अहम अदाकारों के बारे में बुज़दैग फिल्म्स के ट्विटर अकाउंट पर इंफॉर्मेशन शेयर की गई है। इनमें तुर्की के मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर कोनन आर्कन हैं जिनके क्रेडिट पर तुर्की में बेशुमार मशहूर फिल्में और ड्रामा सीरियल मौजूद हैं, जिनके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो अर्तुगरल गाजी का रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि स्क्रिप्ट के हवाले से ये मालूमात तुर्की की वेबसाइट पर लीक हुई हैं कि सीज़न 2 1280 तक मोहित होगा, यानी कुर्लुश उस्मान सीजन 2 का इख्तिताम अर्तुगरल गाजी की वफात और उस्मान गाजी की सरदारी पर होगा। दूसरे बड़े अदाकार जिनकी शमूलियत के बारे में बुज़दैग फिल्म्स पर ऑफिशियली बताया गया है वो आर्कन स्विक हैं, जिनके बारे में ये खबरें हैं कि वो दोगान के बेटे के किरदार में नजर आएंगे और ये सीरियल में बहुत अहम किरदार होगा।